हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार ओझा है। आर डॉट ओझा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज गाइस तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टमाटर के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी लाया हूँ। टमाटरों के अनगिनत फायदे हैं। वेल एंड तक वीडियो को देख रहे हैं, बिना काटे अपने स्किप करें, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे। मैंने रही साथ में गाइस विटामिन सी। टमाटर से अंदर ए सी ई एफ के अलावा टमाटर विटामिन B6 मिलता है, जो आंखों वालों स्किन के फायदे रहते हैं। वेल गाइस, फॉर हेल्थी स्किन, यदि आपको धूप में व्हीकल ऐसे चेहरे पे झुरिया हुआ कालापन आता है, तो रोजाना 2 टमाटर खाने से आपकी काफ़ी फायदे मिलेंगे। वेल गाइस, हेल्थ बोन्स, टमाटर से हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। दिल्ली 2 या 3 टमाटर से हमारी हड्डियों में बहुत फायदा होगा। गुड फॉर हेयर, 1 गिलास टमाटो जूस 3 दिन से 4 टमाटो खाने से आपको बाल मजबूत होने के साथ साथ लंबे घने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें विटामिन बी की मात्रा भी होती है। वेल गाइस, फैट बर्निंग, मोटापा कम करने के लिए यदि आपको पेट के आकार को कम करना है, तो रोजाना 2 से 3 टमाटर खाने चाहिए। पेट की चर्बी साथ साथ मोटापा भी कम करता है। वेल गाइस, हार्ट डिजीज, दिल का स्वास्थ्य के लिए रिसर्च से पता चला है कि टमाटर सेवन करने का हार्ट अटैक जिससे दिल की दौरा कहते हैं उससे चांसेस 25% कम हो जाता है। वेल गाइस, टमाटर के आयुर्वेदिक गुण, टमाटर का सेवन डायबिटीज की मरीजों के लिए उपयोगी है। टमाटर का सेवन डायबिटीज जो कम हो जाता है। मधुमेह के लिए टमाटर की सब्जी का सेवन करते रहना चाहिए, साथ साथ में कच्चा टमाटर सेवन करना भी फायदेमंद होता है। वेल गाइस, कब्ज के लिए, कब्ज से परेशान लोगों के लिए टमाटर सेवन करना फायदा करता है। यदि आपको कब्ज को टमाटर सूप सेवन करते हैं या आपकी वेल गाइस आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देगा। यदि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो और आपको बार बार पानी पीने से भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो लौंग चूर्ण शक्कर को टमाटर के डालकर सेवन करें और इसका समस्या से भी मुक्ति हो जाएगी। वेल गाइस, मसूड़ों की समस्या, मसूड़ों से खून निकलता है, तो आपका कच्चा टमाटर खाएं या फिर तो टमाटर का रस बनाकर उसका सेवन करें। ऐसा करने से मसूड़ों को खून निकलने वाली समस्या दूर हो जाती है। यदि आप मुंह से छाले की समस्या परेशान है, तो पानी में टमाटर रस डालकर कुल्ला करें, आपके मुंह के छालों की समस्या मुक्ति मिलेगी। वेल गाइस, शरीरी कमज़ोर हो, तो यदि आपको शरीरी कमज़ोर है फिर शरीरी कमज़ोर है तो टमाटर सेवन लाभदायक होता है। 10 ग्राम शहद, 100 ग्राम टमाटर रस डालकर उसे ले, फिर सुबह को इसको सेवन करें, शरीर की कमजोरी दूर करता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। वेल गाइस, पीलिया जैसे घातक रोग टमाटर को आपको बचा सकते हैं। 100 या 200 ग्राम टमाटर का रस पीने से जॉन्डिस यानी पीलिया बीमारी राहत मिलती है। खुजली या खाज होने पर टमाटर की भूमिका अहम है। खुजली होने पर नारियल का तेल, टमाटर का रस, कुछ बूंद डालकर शरीर के मालिश करें, फिर हल्के गर्म पानी से स्नान करें। ऐसा करने पर खाज खुजली समस्या निजात मिलती है। टमाटर सेवन करने से कब्ज की भी वसा की मात्रा कम होने की वजह से मोटापा भी नहीं बढ़ता। वेल गाइस, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। टमाटर के सेवन के जरिए आपके हाई ब्लड प्रेशर बीमारी से निजात पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी से परेशान लोगों को सलाद के रूप में लाल रंग वाला टमाटर का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। वेल गाइस, वजन घटाना, तो वजन कम करने के लिए टमाटर बहुत ही फायदेमंद होता है। भोजन के आप टमाटर का सेवन अधिक करें, जैसे सलाद, सब्जी और टमाटर सूप आदि का नियमित लेने से मोटापा जल्दी घटने लगता है। वेल गाइस, दर्द के लिए, यदि शरीर के किसी अंग में दर्द समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई, तो आप टमाटर सेवन करना शुरू कर दें। टमाटर में मौजूद तत्व पीठ के दर्द और गठिया का दर्द को ठीक करते हैं। वेल गाइस, पथरी में सहायक है टमाटर सेवन। यदि आप उसके बीजों को निकाल कर करते हैं, तो इससे पित्त और गुर्दे की बनने वाली पथरी खत्म होने लगती है और वह बढ़ने रुक जाती है। गाइस, आंखों की सेहत के लिए टमाटर के फायदे, टमाटर रोतुंगी जैसी गंभीर आंखों की समस्या को रोक देता है, इसलिए आंखों की समस्या होने पर टमाटर खाना फायदेमंद होता है। वेल गाइस, कैंसर से बचाए, टमाटर शरीर के कई तरह के कैंसर से बचाता है, जैसे पेट से, मुंह से, गर्भाशय, पुरवठे से, गले से, संबंधी से, कैंसर की बढ़ाने नहीं देता है, जैसे वजह से कैंसर का खतरा कम हो जाता है।
बैलगज हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन और कैल्शियम को इंसान की हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। ये दोनों तत्व टमाटर में होते हैं। जिन लोगों को हड्डियों की कमजोर है को सेवन करना करें, आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज़रूरी। बैलगज मुहासों के लिए चेहरे पर टमाटर के गुद्दे की मालिश करके कुछ देर बाद धोले से रंग निखरता है तथा कम समय में दूर हो जाते हैं मुहासे। बैलगज मोटापे के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में पके हुए टमाटर खाने से वजन कम होकर शरीर का मोटापा दूर होता है, साथ ही शरीर संपूर्ण पोषण भी प्राप्त होता है। बैलगज टीबी के लिए रात को सोते से पहले लहसुन के 3 छिले हुए कलियां खाकर टमाटर का रस पी, इसमें शहद इलायची मिला हो तो टीबी फेफड़ों के अन्य बीमारी को लाभ होता है। बैलगज दाग धब्बे, चेहरे काले दाग को मिटाने के लिए टमाटर के रस को रूई में भिगोकर दागों पर लगाने से काले धब्बे साफ हो जाते हैं। बैलगज नेत्र ज्योति के लिए टमाटर के ताजे पत्ते 24 मिनट तक कुनकुने पानी में भिगो दें, फिर पानी को छान कर रख लें, फिर हर रोज भोजन करने से पहले 2 चम्मच मात्रा पीने से आँखों की कमजोरी दूर होकर आँखों के तक मिलती है। जोड़ों के दर्द के लिए पत्ते सहित टमाटर को पौधे का रस निकाल कर उसे एक समान तिल के तेल में मिलाकर उबाल लें, फिर जब केवल शेष रह जाए तब शीशी में भर लें। इस तेल को जोड़ों पर मोच पर मालिश करने से दर्द राहत मिलती है। एनीमिया रोगी के लिए रोजाना 200 ग्राम टमाटर का रस पीने से बहुत लाभ होता है। बैलगज कैंसर रोग टमाटर लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट कैंसर विशेष रूप से फेफड़ों में पेट और प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम करने में प्रभावी है। इसे कैंसर से लड़ने में मदद करता है टमाटर। बैलगज हृदय रोग के लिए टमाटर लोकपीन हृदय रोग खिलाफ की रक्षा कर सकता है। उपभोक्ता टमाटर नियमित रूप से रक्त कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड स्तर काम करने का वाहिकाओं में वसा सुजाओं काम करने में मदद करता है। बैलगज पाचन के लिए भोजन टमाटर देने के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है क्योंकि इन दोनों कब्ज डायरिया से बचाता है, पीलिया को रोकता है और प्रभावी ढंग से शरीर विशिष्ट पदार्थों को निकालता है। बैलगज जॉन्डिस रोग, रोजाना टमाटर का रस पीने से जॉन्डिस रोग बहुत लाभ होता है। बैलगज कम वजन से परेशान लोग यदि भोजन के साथ पक्के टमाटर खाएं तो उनका वजन बढ़ता है। बैलगज पेट की कीड़ों के लिए, पेट कीड़े तो टमाटर के टुकड़ों पर रस, काली मिर्च, चूर्ण, सेंधा नमक डालकर खाएं, पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे। बैलगज भूख ना लगने की स्थिति, भोजन के प्रति अरुचि होने या भूख ना लगने की स्थिति, टमाटर को 200 ग्राम रस, अदरक के रस और नींबू का रस मिलाकर पीने से भूख अधिक लगती है।